Jungle. Hello and welcome to Dynamic Science Lectures और MSc First Year की Statistical Mechanics की इस Lecture Series में आज जो हमारा टॉपिक है वो है Effect of Symmetry on Counting. ठीक है, यही हम लास्ट लेक्चर में कर रहे थे. लास्ट लेक्चर में हमने देखा था मैक्सवेल पोल्ट्जमान स्टैटिक्स. ठीक है, ये हमने देखा था. और ये जो आपका ये इफेक्ट ऑफ सिमेट्री ऑन काउंटिंग, ये किस वजह से आया? क्योंकि जब आपके पार्टिकल्स, जो सिस्टम है, सिस्टम ऑफ एन पार्टिकल्स है, उसमें अगर वो पार्टिकल्स क्या हो जाए, इनडिस्टिंग्विशेबल हो जाए, मतलब उनका वेव फंक्शन क्या हो जाए, ओवरलैप हो जाए, तब वहां पर दो तरह के वेव फंक्शंस बनते हैं. एक तो सिमेट्रिक, ठीक है, और एक बनता है एंटीसिमेट्रिक. और वो किस पे डिपेंड करता है कि उन पार्टिकल्स की जो स्पिन है वो आपका इंटीग्रल है, मतलब 0, 1, 2, 3 इसका इंटीग्रल है, या फिर वो हाफ इंटीग्रल है, h क्रॉस बाय 2, 3 बाय 2 h क्रॉस, कुछ इस तरह का. ठीक है, अगर आपका वो हाफ इंटीग्रल है तब तो वेव फंक्शन क्या होगा, एंटीसिमेट्रिक. और अगर वो इंटीग्रल स्पिन है तब वो होगा आपका सिमेट्रिक वेव फंक्शन. तो ये वाला जो रीजन है, क्या वेव फंक्शन सिमेट्रिक या एंटीसिमेट्रिक होता है, इसका इफेक्ट पड़ता है कि हम उन पार्टिकल्स की वो जो नंबर ऑफ वेव फंक्शंस है, ठीक है, जो टोटल नंबर ऑफ वेव फंक्शंस कह दो या फिर कह दो टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट, उन पे इफेक्ट पड़ता है. ठीक है, और वो कैसे पड़ता है हम वो ही देख रहे हैं. हमने अब तक मैक्सवेल बोल्ट्जमान स्टैटिक्स पढ़ लिया है. इसमें जो पार्टिकल थे वो हमारे पास डिस्टिंग्विशेबल थे. ठीक है, क्या थे वो, डिस्टिंग्विशेबल. और उसमें जो टोटल नंबर ऑफ वेव फंक्शंस है या फिर कह सकते हो माइक्रोस्टेट्स है, वो आए थे एन आई फैक्टोरियल पाई आई, आई इक्वल्स टू 1 to k जी आई टू द पावर एन आई डिवाइडेड बाय एन आई फैक्टोरियल. ठीक है, कुछ यूं आए थे. अब हम इस लेक्चर में स्टडी करने जा रहे हैं वो है बोस आइंस्टाइन. क्या है, बोस आइंस्टाइन, इसको बोलते हैं बीई स्टैटिक्स. ठीक है, बीई स्टैटिस्टिक्स. ठीक है, हाँ. अब देखो, सबसे पहले इसकी खासियत बताते हैं. ये कब अप्लाई होती है, सबसे पहली बात, क्या पार्टिकल्स क्या होने चाहिए, इनडिस्टिंग्विशेबल होने चाहिए. पार्टिकल्स क्या होने चाहिए, इनडिस्टिंग्विशेबल. ठीक है, पहली बात सबसे इंपॉर्टेंट है. ठीक है, दूसरी बात क्या होने चाहिए, आइडेंटिकल होने चाहिए. ठीक है, पार्टिकल्स क्या होने चाहिए, आइडेंटिकल होने चाहिए. ठीक है, तीसरा आपको पता ही है क्या होते हैं, जो वेव फंक्शन है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, ओवरलैप हो जाएगा. ठीक है, और क्या हो जाएगा इस वाले केस में, ध्यान रखना, जब आपके पार्टिकल इनडिस्टिंग्विशेबल है. और हां, फोर्थ बात क्या है कि जो आपका स्पिन है, पार्टिकल्स का जो स्पिन है वो क्या होगा, वो इंटीग्रल स्पिन होगा, इंटीग्रल स्पिन. ठीक है, अगर पार्टिकल्स का इंटीग्रल स्पिन होता है, इनडिस्टिंग्विशेबल होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, और वेव फंक्शन ओवरलैप हो जाता है, तब आपका क्या लगता है, बोस आइंस्टाइन स्टैटिक्स लगता है. ठीक है, और काम हम वही करने वाले हैं जो हमने मैक्सवेल बोल्ट्जमान स्टैटिक्स में किया था. क्या किया था हमने, लिया था एक सिस्टम ऑफ एन पार्टिकल्स. ठीक है, वहां तो हमने वेव फंक्शंस को सीधा सीधा लिख दिया था, जो टोटल वेव फंक्शन था वो 1, 2, 3 अप टू एन, वो हमने कुछ लिख दिया था, साई ए क्यू वन, साई बी क्यू थ्री, साई अप टू साई जेड क्यू एन, इस तरह से वो तो लिखा था हमने एमबी स्टैटिक्स में. अब इस वाले में क्या होगा, इस वाले में जो टोटल वेव फंक्शन होगा वो किस पे डिपेंड, वो कैसा होगा, पहली बात सिमेट्रिक वेव फंक्शन होगा. ठीक है, तो जो साई एस है
वो क्या होगा, ध्यान देना, बीई बोल्ट्जमान स्टैटिक्स का एसआई है, वो क्या होगा, समेशन ओवर वी पी वी इंटू साई ए क्यू वन साई बी क्यू थ्री अप टू साई जेड क्यू एन। ठीक है, ये क्या होगा, इनका परम्यूटेशन होगा। ठीक है, इन ये जितने भी वेव फंक्शंस हैं, ठीक है, ये क्या है, ये क्या डिनोट करता है, पार्टिकल वन का वेव फंक्शन, मतलब पार्टिकल वन किस में, स्टेट ए में है, पार्टिकल टू है स्टेट बी में। ठीक है, ये डिनोट करता है। तो क्या है, इन सारे वेव फंक्शंस का क्या है, परम्यूटेशन देते हैं कि उनका अलग अलग कॉम्बिनेशन क्या बन सकता है। ठीक है, और दूसरी बात, यहां पर प्लस साइन है तो इसका मतलब जो वेव फंक्शन क्या है, वो है आपका सिमेट्रिक वेव फंक्शन। और न्यू ये जो वी है वो है नंबर ऑफ बाइनरी परम्यूटेशंस, परम्यूटेशन इन दी परम्यूटेशन पी। ठीक है, ये आपका वी है, इतनी बात हुई। अब हम क्या करेंगे, हमारा वही काम है जो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। ठीक है, एन को किस में डिवाइड कर लेंगे हम, एन वन प्लस एन टू प्लस एन थ्री प्लस एन फोर अप टू, ठीक है, क्या आएगा, एन आई प्लस में आएगा एन के। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसको के ग्रुप में डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, किसमें कर लेंगे, के ग्रुप में डिवाइड कर लेंगे, एक ऐसा ग्रुप जिसमें टोटल जो नंबर ऑफ ग्रुप्स है वो क्या होंगे, के होंगे। ठीक है, के ग्रुप में डिवाइड कर लेंगे। उसके बाद क्या है, किसके आधार पर, अब बात आती है डिवाइड तो किया लेकिन किसके आधार पर, इनकी एनर्जी के आधार पर। जो एन वन पार्टिकल है उनकी एनर्जी है ई वन, एन टू पार्टिकल है उनकी एनर्जी है ई टू, एन थ्री पार्टिकल उनकी एनर्जी ई थ्री, ऐसे ही एन आई पार्टिकल है उनकी एनर्जी है ई आई, और एन के जो पार्टिकल है उनकी एनर्जी है ई के। इतनी बात हुई, ठीक है। अब देखो ये जो एनर्जी है, ठीक है, अब हम क्या बोलते हैं कि कोई भी दो क्वांटम स्टेट, तीन क्वांटम स्टेट, चार पांच छह या फिर अप टू बहुत सारी, ठीक है, क्वांटम स्टेट ऐसी हो सकती है जिनकी एनर्जी क्या हो, सेम हो, समझ रहे हो ना, हमारे पास दो तीन चार पांच अप टू बहुत सारी क्वांटम स्टेट ऐसी हो सकती है जिनकी एनर्जी क्या हो, सेम हो। तो इसका मतलब क्या है, ऐसी क्वांटम स्टेट जिनकी एनर्जी सेम हो तो उनको क्या बोलते हैं, डीजेनरेसी, जी आई, ठीक है, उस पर्टिकुलर एनर्जी लेवल की डीजेनरेसी। तो देखो अगर पार्टिकल की, देखो किसी भी स्टेट की एनर्जी वो इवन है, ठीक है, उसके कोरोस्पॉन्ड हम क्या बोलते हैं कि उसकी डीजेनरेसी कितनी है, जी वन है। ठीक है, इस वाले ग्रुप के लिए डीजेनरेसी क्या होगी, जी टू होगी, इस वाले की डीजेनरेसी जी थ्री होगी, इसकी क्या होगी, जी आई होगी, इसकी क्या होगी, जी के होगी। ठीक है, इतनी बात हुई। अब भाई डिवाइड कर दो, कैसे करेंगे, हम इनको ऐसे लिख सकते हैं, देखो जैसे हमने पिछले वाले में किया था, क्या करेंगे हम, के ग्रुप बनाएंगे। ठीक है, क्या बनाएंगे, के बनाएंगे कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से, एक दो तीन, ये मान लीजिए ये आपका पहला है। ठीक है, जिसमें क्या है, जिसकी एनर्जी क्या है, ई1 है, और डीजेनरेसी क्या है, जी1 है, इसकी ई2 है, जी2 है, इसकी क्या है, ई है, जी है। ठीक है, एनर्जी ई है और डीजेनरेसी जी है, इसकी ईके और जीके। ठीक है, डीजेनरेसी हम कैसे डिनोट करते हैं, मान लो इस वाले स्टेट की डीजेनरेसी है आपकी तीन, ठीक है, जी आई की वैल्यू तीन है, तो यहां पर कितनी स्टेट होगी, एक दो तीन, ठीक है, एक दो और तीन, तीन स्टेट होगी, मतलब चलो इसको रिमूव करते हैं, ये तीसरी स्टेट होगी। ठीक है, वैसे ही मान लो इसकी डीजेनरेसी चार है तो कितना हो जाएगा, एक दो तीन चार, चार स्टेट, इसकी जी आई का वैल्यू रख देता हूं मैं चार, इसका मान लो जी आई आपका दो ही था, ठीक है, G4 का वैल्यू दो है तो इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है, वैसे ही ये क्या है, ये सेल है, ये सेल है, ठीक है, ये सेल है, यहां पर तीन सेल है, डीजेनरेसी मतलब सेल, आप सेल से इमेजिन कर सकते हो, यहां पर मान लो तीन है तो आप इसको तीन में डिवाइड कर दो। ठीक है, जी आई इक्वल्स टू तीन, मतलब G2। ठीक है, अब देखो अब हमें क्या करना है, इस वाले में, इस वाले ग्रुप में, ये क्या है, ग्रुप भी तो है, पहला ग्रुप, ठीक है, इस वाले ग्रुप में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने आने, एन वन आने,
ठीक है, इसमें कितने आने, एन टू आने, इसमें एन जी एन आई आने, इसमें एन के आने। अब हम इस वाले की बात करेंगे, ठीक है, इस वाले ग्रुप की, ठीक है। इस वाले ग्रुप में मतलब आई एच ग्रुप में कितने पार्टिकल्स आने, एन आई पार्टिकल्स आने, ठीक है। अब हमें क्या देखना है कि वो एन आई पार्टिकल्स वो कितनी तरह से अरेंज हो सकते हैं, क्या देखना हमें, वो जो एन आई पार्टिकल्स है वो कितनी तरह से अरेंज हो सकते हैं, ठीक है। अब हम इसको जूम इन कर लेते हैं, ठीक है, जूम इन कुछ इस तरह से कर लेते हैं। मान लीजिए उसकी डिजेनरेसी जी आई, ठीक है, ये मान लो ये है उसका पहला, ठीक है, पहली वॉल कह सकते हो, या फिर ठीक है इसको भी हम देखो ये हम डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, डिवाइड इसको हम सब लेवल भी तो बोल सकते हैं। ये अगर इसके लेवल हैं तो ये इसके क्या होंगे, सब लेवल होंगे। तो ये हर एक सब लेवल को एक वॉल से हमने डिनोट किया है, ठीक है, ये क्या एक सेपरेटिंग वॉल है, ठीक है, ये भी एक सेपरेटिंग वॉल है, ये भी एक सेपरेटिंग वॉल है, अप टू ये चलते जाएंगे और लास्ट वाला, ठीक है। ये क्या है, ये आपका जी आई एथ है, ठीक है, जी आई एथ, ये क्या होगा आपका फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, और ये चलते जाएगा, ये आपका मान लो फोर्थ फिफ्थ या फिर अप टू टेंथ हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया टेंथ पार्टीशन कह सकते हो इसको, ये पार्टीशन हो गया, और ये पार्टीशन किसके किसने किया है, इस वॉल ने किया, ठीक है। अब देखो ये क्या है, ये आखिरी है, आखिरी क्या है, जी आई एथ, ठीक है। अब देखो इसमें टोटल नंबर ऑफ वॉल कितनी होगी, ध्यान दो इस पे, ये क्या है फर्स्ट वॉल, सेकेंड, देखो पहले तो क्या था, ये इतना ही था ना, इतना था, ठीक है। इसकी डिजेनरेसी मान लो चार है, तो इसके लिए हमें सेपरेटिंग वॉल कितनी लगानी पड़ेगी, एक दो तीन, तीन ही तो लगानी पड़ेगी। अब मान लो यहां पर डिजेनरेसी आपका पांच है, ठीक है, पांच है, एक दो तीन चार पांच, पांच है, ठीक है, तो सेपरेटिंग वॉल कितनी है, एक दो तीन चार, चार ही तो है, ये तो आपका लेवल है पूरा, ये क्या हो गए, सब लेवल हो गए, ठीक है, ये सेपरेटिंग वॉल कितनी हो गई, पांच हो गई। और यहां पर अगर जी आई उसकी डीजेनरेसी है तो सेपरेटिंग वॉल कितनी हो जाएगी, सेपरेटिंग वॉल वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी जी आई माइनस वन, हो जाएगी ना। देखो ये चीज आप बस समझ लो, आगे का काम हो जाएगा, बस इतनी सी चीज समझ लो, ठीक है। अब देखो अब इसमें क्या करना है, हमें पार्टिकल्स डिस्ट्रीब्यूट करने, ठीक है, पार्टिकल्स डिस्ट्रीब्यूट करने। अब मैं आपको सबसे काम वाली बात बताता हूं इस बोस आइंस्टाइन स्टैटिक्स की, क्या है कि इसमें एक स्टेट में कितने भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स रह सकते हैं, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, देर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, विच कैन कोएग्जिस्ट इन ए गिवन स्टेट साई, ठीक है। अब देखो ये क्या है, ये हमारा ग्रुप आईएथ ग्रुप है, ठीक है, इसमें ये क्या है, ये पहली स्टेट है, ठीक है, पहली स्टेट है ना, ये अलग अलग स्टेट ही तो है वैसे, डीजेनरेसी क्या होगी, जी आई। अब देखो जो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो एन आई हमें इस आईएथ ग्रुप में क्या करने, डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, तो ये वाला स्टेटमेंट क्या कहता है, ये वाला स्टेटमेंट ये कहता है कि जितने भी एन आई पार्टिकल्स हैं वो सारे एक ही स्टेट में भी आ सकते हैं, या फिर आप उनको दो स्टेट में डिवाइड कर दो, या चार में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, पांच में कर दो, कैसे भी कर दो, ठीक है, वो कैसे भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, वो एक ही स्टेट में सारे पार्टिकल रह लेंगे, ठीक है। जैसे फर्मियोन्स के ऊपर कुछ अलग रिस्ट्रिक्शन होती है कि एक फर्मियोन एक ही स्टेट में रहेगा, या फिर एक स्टेट में एक ही फर्मियोन रहेगा, मुझे ऐसा बोलना चाहिए, ठीक है, तो क्या होता है वहां रिस्ट्रिक्शन है, लेकिन यहां पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, यहां पर ऐसा है एक स्टेट में सारे पार्टिकल्स भी आ सकते हैं, दो आ सकते हैं, चार पांच जितने भी है, ठीक है। अब देखो अब हम क्या करते हैं, इनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कैसे करेंगे, देखो मान लो कि हमें यहां पर 10 पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, ठीक है, 10 पार्टिकल्स, एन आई इक्वल टू 10, ठीक है, हम क्या कर देते हैं, इनमें दो कर दिया, इनमें तीन कर दिया, इसको खाली छोड़ दिया,
ठीक है, इनमें मान लीजिए हमने चार कर दिए, ठीक है, पार्टिकल इनडिस्टिंग्विशेबल है, ध्यान रखना, दो तीन चार सात हो गए और मान लीजिए इसमें आपके तीन आ गए, ठीक है, इस तरीके से कर दिया हमने, थर्ड को क्या कर दिया, वैकेंट कर दिया। अब देखो, अब हमें क्या देखने है, अब हमें देखने टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन देखने, हमें क्या देखने, हमें देखने टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। हम इन एनआई पार्टिकल्स को इन पोर्स इन पार्टीशंस में कितनी तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, देखो भाई इसको मैं एक दूसरी सिचुएशन के इक्विवेलेंट मान लू, बताओ मान लू क्या, देखो कैसे मानेंगे, ये वाली वॉल है, ये वॉल ऐसे की ऐसी, ये ऐसे की सी, ठीक है, ये तो हमारा ग्रुप है भाई। अब मैं क्या करता हूं, ये वाला जो वॉल है हमारा, ठीक है, जो सेपरेटिंग वॉल है, इसको मैं एक ब्लैक बॉल की तरह मान लू, जो सेपरेटिंग वॉल है इसको मैंने बोल दिया ब्लैक बॉल, ठीक है, और जो हमारे पार्टिकल्स हैं उनको मैंने बोल दिया व्हाइट बॉल, ठीक है, पार्टिकल्स हैं उनको मैंने बोल दिया व्हाइट बॉल, ठीक है। अब देखो, अब हमें क्या करने है, इसमें देखो टोटल नंबर ऑफ ब्लैक बॉल कितनी होंगी, बताओ टोटल नंबर ऑफ ब्लैक बॉल कितनी होंगी, हमारा जीआई कितना है, जीआई मान लीजिए आपका पांच है, ठीक है, जीआई कितना है, पांच है, एक दो तीन चार, हाँ पांच है, तो ब्लैक बॉल कितनी होगी, पांच होगी, व्हाइट बॉल कितनी होगी, दस होगी, ठीक है। अब देखो क्या हो सकता है कि सारे दस के दस, ध्यान देना, सारी दस की दस व्हाइट बॉल यहां भी आ सकती है, कितनी होगी, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस, दस व्हाइट बॉल आ गई, और बाकी जो वॉल हो गई, ध्यान देना जो वॉल है वो किससे रिप्लेस कर दिया हमने, ब्लैक बॉल से, तो बाकी जो ब्लैक बॉल है वो सारी एक तरफ भी आ सकती है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब समझो आप, ये वाली ब्लैक बॉल ये किसको डिनोट करती है, इस वाली को, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो सारे टोटल नंबर ऑफ टेन पार्टिकल्स हैं वो किस में हो गए, वो आपकी एक ही स्टेट में आ गई, इस फर्स्ट स्टेट में आ गए ना, और बाकी स्टेट क्या होगी, वैकेंट रहेगी, ठीक है। अब आप इसको इस तरह से भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, अगर मैं मुझे इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना होगा तो मैं कैसे करूंगा, देखो दो व्हाइट बॉल है, दो व्हाइट बॉल हो गई, उसके बाद क्या आ गई, एक ब्लैक बॉल आ गई, ठीक है, उसके बाद एक व्हाइट बॉल आ गई, ये क्या आ गई, ब्लैक बॉल आ गई, ये क्या आ गई, इसमें कोई व्हाइट बॉल नहीं है तो क्या आ गई, सीधा ब्लैक बॉल आ गई, सही है। इसके बाद चार व्हाइट बॉल, एक दो तीन चार, चार व्हाइट बॉल, फिर क्या आ गई, एक ब्लैक बॉल, ठीक है, ये ब्लैक बॉल क्या कर रही है, इन व्हाइट बॉल को क्या कर रही है, सेपरेट कर रही है, ठीक है, और उसके बाद क्या आ गई, तीन व्हाइट बॉल, एक दो तीन आ गई ना, यहां पर देखो टोटल ब्लैक बॉल कितनी आ गई, एक दो तीन चार, भाई देखो यहां पर हमने एक ब्लैक बॉल नहीं लगाई भाई, एक दो तीन चार और एक, हां ये लास्ट वाला पांच, ठीक है, ओ वेल 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 वेल, ये पांच नहीं है, ये पांच नहीं, ये चार होगा, ब्लैक बॉल चार होगा भाई, ब्लैक बॉल चार होगा, ये नहीं है, चार कैसे होगा बताओ भाई, ये सेपरेटिंग वॉल कितनी है, चार ही तो है, एक दो तीन चार, पांच नहीं है, तो ब्लैक बॉल कितनी होनी चाहिए, चार होनी चाहिए, ठीक है, तो यहां पर हमारे पास कितनी आ गई, एक दो तीन चार, चार आ गई ना, और व्हाइट बॉल कितनी, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस, टोटल दस आ गई। अब देखो ये टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कैसे बनेंगे, ध्यान देना, अब बताओ ये टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट ये कैसे बनेंगे, पहली बात बनेंगे परम्यूटेशन से, ठीक है, परम्यूटेशन से बनेंगे, पहली बात परम्यूटेशन किस किस का होगा, ये देखो ये व्हाइट ब्लैक बॉल ये कैसे भी अरेंज हो सकती है, ठीक है, ये व्हाइट और ब्लैक बॉल कैसे भी अरेंज हो सकती है, इन पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो टोटल नंबर ऑफ व्हाइट एंड ब्लैक बॉल कितना है, वो है आपका एन आई प्लस जी आई माइनस वन, ठीक है, जी आई माइनस वन क्या है, टोटल नंबर ऑफ ब्लैक बॉल, और एन आई क्या है, टोटल नंबर ऑफ व्हाइट बॉल, तो ये क्या हो गया, इनका हम क्या ले लें, फैक्टोरियल ले लें, ये क्या हो गया, टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, यहां हमने क्या कर दिए, एन आई पार्टिकल्स को जी आई में क्या कर दिया, हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है, हमने क्या कर दिया, एन आई पार्टिकल्स को जी आई स्टेट्स में क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है, इतनी बात हुई। अब देखो, अब हम क्या कर रहे हैं,
देखो ये क्या है, ये इंटरचेंज हो सकती है, ठीक है, इंटरचेंज हो सकती है। मान लो हम इस कॉम्बिनेशन की बात करें, इसी वाले कॉम्बिनेशन की, अगर ये व्हाइट बॉल यहां से उठकर यहां आ जाए, ध्यान देना, अगर ये व्हाइट बॉल यहां से उठकर यहां आ जाए तो क्या हमें पता चलेगा? भाई देखो ये पार्टिकल्स क्या है, इनडिस्टिंग्विशेबल है, आप इनको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। तो क्या है, अगर ये व्हाइट बॉल उठकर यहां से यहां आ जाए तो क्या आपको पता चलेगा? नहीं चलेगा, नहीं चलेगा ना। वैसे ही मान लो ये दोनों ब्लैक बॉल पास में है, ठीक है, ये उठकर यहां से यहां जाए, मतलब एक दूसरे को इंटरचेंज कर दे, ठीक है, एक दूसरे को क्या हो जाए, इंटरचेंज हो जाए, तो क्या आपको पता चलेगा? नहीं पता चलेगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब हमने इन सभी को देखो, इन सभी को क्या किया है, इस वाले टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में इंक्लूड किया है, किया तो है ना, हमने इन सभी का फैक्टोरियल ले लिया। तो इसका मतलब ये अगर व्हाइट बॉल ये दोनों भी आपस में इंटरचेंज होती है, ठीक है, तो भी हमने उसको इसमें इंक्लूड कर लिया है डिस्ट्रीब्यूशन में, ठीक है। अब देखो वो अगर ये आपस में इंटरचेंज होती है, हमें पता नहीं चल रहा क्योंकि इनको हमने लेबल नहीं किया, ये हमारे लिए व्हाइट बॉल ही है, इनको हमने लेबल नहीं किया, तो हमारा जो डिस्टिंक्ट डिस्ट्रीब्यूशन है, देखो जो टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, उसमें हमने क्या करना पड़ेगा, ये दोनों अगर इंटरचेंज हो जाए तो उसको हमने एक्सक्लूड करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये देखो आपस में इंटरचेंज हो जा रही है तो ये कोई मीनिंगफुल आपका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। देखो एक तो मैं ऐसा बनाता हूं और ऐसा ही एक और बना देता हूं, क्या वो मीनिंगफुल होगा? नहीं होगा, क्योंकि ये आपस में चेंज हुए तो ये हमें पता नहीं चला, तो ये कोई मीनिंगफुल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। तो इस मीनिंगफुल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब मीनिंगलेस डिस्ट्रीब्यूशन को हमें एक्सक्लूड करना पड़ेगा। तो जो टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, ठीक है ना। अब देखो ऐसा ही एक और बन जाए तो वो तो सेम हो गए ना, सेम डिस्ट्रीब्यूशन, तो हमें क्या करना है, हमें तो डिस्टिंक्ट डिस्ट्रीब्यूशन देखने, उसके लिए हमने क्या करना पड़ेगा, इनको डिवाइड करना पड़ेगा। वो क्या होंगे, वो होंगे आपके ये तो ऐसे कैसे, देखो ni प्लस gi माइनस 1 का फैक्टोरियल टोटल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या, ये पार्टिकल्स इंटरचेंज होते हैं। देखो ध्यान देना इस बात पे, ये अगर पार्टिकल्स इंटरचेंज होते हैं तो देखो इनका क्या होगा, इनका परम्यूटेशन, ठीक है। अगर हमें डिस्टिंक्ट डिस्ट्रीब्यूशन देखने हैं तो अगर ये पार्टिकल आपस में इंटरचेंज होते हैं तो इन सभी पार्टिकल्स का परम्यूटेशन हम डिवाइड कर दें, ठीक है, तब वो क्या आ जाएंगे, डिस्टिंक्ट आ जाएंगे, है ना। मतलब वो आपस में इंटरचेंज होती है तो क्या आएगा, एक तो ni फैक्टोरियल आएगा, है ना, और दूसरा किसका, इन व्हाइट बॉल्स कह दो या फिर सेपरेटिंग बॉल्स कह दो, इनका परम्यूटेशन, ठीक है। ये भी तो आपस में चेंज हो रही है, ये अगर इंटरचेंज हो रही है तो हमें पता नहीं चल रहा, ठीक है, क्या करना पड़ेगा, अगर डिस्टिंक्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, इनका परम्यूटेशन भी डिवाइड करना पड़ेगा। इनका परम्यूटेशन क्या है, टोटल नंबर ऑफ ब्लैक बॉल क्या है, gi माइनस 1 का फैक्टोरियल, यही तो है gi माइनस 1 का फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये आ गए आपके टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट डिस्ट्रीब्यूशन किसमें, ith स्टेट में, या फिर कह सकते हो, देखो ये क्या है मैं बताता हूं आपको, ये आपका है, देखो जो हमने अभी अभी लिखा है, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बोसॉन्स फॉर स्टेट ऑफ एनर्जी ei, ठीक है, क्या है, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट डिस्ट्रीब्यूशन फॉर बोसॉन्स, देखो हम यहां पर बोसॉन ही स्टडी कर रहे हैं, फॉर स्टेट ऑफ एनर्जी ei, ठीक है, ऐसी स्टेट जिसकी एनर्जी क्या हो, ei हो, मतलब ih ग्रुप, ठीक है, तो वो क्या होगा, टोटल ओमेगा आई एस क्या है, सिमेट्रिक, ठीक है, वो किससे डिनोट किया हमने, ni प्लस gi माइनस 1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय ni का फैक्टोरियल इंटू gi माइनस 1 का फैक्टोरियल, ठीक है। अब देखो, अब मैं क्या बता रहा हूं, द बोसॉन्स
या फिर कह सकते हो द टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ये तो हमने आईएथ में देखा है, आईएथ ग्रुप के लिए देखा है ना। अब टोटल नंबर ऑफ ग्रुप कितने हैं, के हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए हम क्या कर देंगे, ये जो जितने भी आई हैं, जैसे फर्स्ट के लिए ओमेगा वन आएगा, सेकंड के लिए ओमेगा टू आएगा, थर्ड के लिए ओमेगा थ्री आएगा, इन सबको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, सबको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या आएगा, टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एन पार्टिकल्स, ठीक है। ये तो है एन आई पार्टिकल्स के लिए, तो टोटल नंबर ऑफ कितने हैं, एन पार्टिकल्स इन द सिस्टम, पूरे सिस्टम के लिए, इन द सिस्टम अमंग द के पॉसिबल ग्रुप्स ऑफ आइगन स्टेट स्टेट्स इज, क्या है, ओमेगा एस, ठीक है। यहां आएगा जी आई, किस किस पे डिपेंड करेगा, जी आई और एन आई पे। यहां क्या लगा दो, पाई आई इक्वल्स टू वन टू के, ठीक है, और वही कर दो एन आई प्लस जी आई माइनस वन, ठीक है, फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन आई फैक्टोरियल इंटू जी आई माइनस वन का फैक्टोरियल। यहां सिर्फ क्या आ गया, पाई आई आ गया। इसका मतलब क्या किया, जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ उनको सबको हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये आ गया आपका फाइनल रिजल्ट। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे हमारा फर्मी डिराक स्टैटिक्स। तो तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए, थैंक यू।